हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है 26 जनवरी यानी हमारे देश का गणतंत्र दिवस। आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लिखा गया था। वो सारी चीज़ें तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे। गाइस, मैं आप लोग को बता दूं, आज मैं आया हूँ किसान यूनियन कार्यालय। बैकग्राउंड में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो हेड हैं, माननीय सनी शुक्ला जी, वो अभी नहीं आए हुए हैं। वो यहाँ के किसान यूनियन के युवा अध्यक्ष हैं इस रीजन के। तो जैसे ही वो आ जाते हैं, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होगी। बैकग्राउंड में देख सकते हैं फ्लैग लगा हुआ है। तो आ जाते हैं तो यहाँ का पूरा सीन, पूरा प्रोग्राम मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो गाइस, ब्लॉग पे बने रहिए, यहाँ बहुत ही शानदार नज़ारा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसा कि अभी टाइम हो रहा है, 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी हमारे अध्यक्ष जी नहीं आए हैं। देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, उनका इंतज़ार हो रहा है। आइए जानते हैं कुछ लोगों से। भैया प्रणाम। अभी यहाँ के अध्यक्ष जी नहीं आए हैं कुछ, बस ज़्यादा 5 मिनट में आने वाले हैं। 5 मिनट बाद झंडा फहराया जाएगा, सभी किसान आ रहे हैं और 5 मिनट सभी किसान आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो गाइस, जैसा कि देखा आपने, इन्होंने बताया कि बस अध्यक्ष जी आने वाले हैं और यहाँ का प्रोग्राम शुरू होता है। तब तक आइए मैं आप लोग को इस पूरे पार्क का एक सीन दिखा देता हूँ। गाइस, यहाँ जैसे कि इसका नाम है किसान यूनियन पार्क, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग बहुत सारी वैरायटी के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, बहुत सारे फलों के भी पेड़ पौधे हैं, केला है, अनार है। इधर देख सकते हैं आप, तालाब भी बना हुआ है। यहाँ के हमारे अध्यक्ष जी आ चुके हैं, आइए चलते हैं और यहाँ का प्रोग्राम बस शुरू होने वाला है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। चलिए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा दिल्ली हिमाचल यमुना गंगा उछल जल तरंगा तव सुपना में जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम मातरम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ इंडिया वन रिपब्लिक डे 26 जनवरी इज ए रेड लेटर डे इन इंडिया हिस्ट्री। इट वॉज ऑन दिस डे इन 90 दैट इंडिया बिकेम रिपब्लिक। नेचुरली दिस डे इज सिंबल ऑफ होप and aspirations of million of people in this large democracy of this world.
It was symbol has a pride with which Indian people want to progress in the community of nation. This day has now come to be observed as a national event of rejoicing and a reminder. Bharat Mata Ki Jai. Bharat Mata Ki Jai. कल चले हम फिजा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिजा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों सांस थमती गई नजमा जमता गया फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं सर हिमालय का हमने न झुकने दिया मरते मरते रहा बाग पन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों बोलो भारत माता के काले गोरे का भेद नहीं यहाँ सबसे हमारा नाता है हमको कुछ भी ना आता हो लेकिन प्यार निभाना आता है जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया मैं बात वही दोहराता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात बताता हूँ माता की बोलो भारत माता की तो गाइज यहाँ के अध्यक्ष जी पंडित सनी शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आइए उनसे इस पार्क के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं तो अध्यक्ष जी सबसे पहले स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे चैनल पर हमारा आपसे पहला क्वेश्चन है कि किसान आंदोलन जो महीनों से चल रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है तो क्या आप लोगों की सभी मांगें पूरी हो चुकी हैं और आप लोग पूरी तरीके संतुष्ट हो चुके हैं अभी जो हमारा जो आंदोलन चला उसमें जो मांगे थी सिर्फ एक मांग मानी गई है हमारी सिर्फ जो जो तीन काले कानून थे वो वापस हुए हैं बाकी तो जो समस्याएं हैं उसी तरह बरकरार हैं अभी तक तो क्या ये किसान आंदोलन फिर से आप लोग जारी करेंगे या कोई आगे का प्लान है आपका अभी तो वो किसान विरोध में है इनके किसान तो इनके बहुत पक्ष में है नहीं आगे भी आंदोलन हो सकते हैं और बड़े आंदोलन हो सकते हैं तो अध्यक्ष जी जैसे मैं आज आया हूँ यहाँ पर इस जगह का नाम है किसान यूनियन पार्क तो क्या यहाँ सिर्फ कार्यालय से संबंधित कार्य होते हैं या पब्लिक भी यहाँ घूमने आती है ये पब्लिक प्लेस है यहाँ पर पब्लिक की जो समस्याएं होती हैं वो तो संगठन के बाबा टिकैत के माध्यम से उठाई भी जाती हैं और उसके अलावा जो जिन्हें आना जाना है जो आने जाने से संगठन बढ़ता है लोग बाहर के लोग भी आते हैं घूम टहल कर जाते हैं तो अध्यक्ष जी जैसा कि यह किसान यूनियन कार्यालय है तो क्या आपके जो मुख्य नेता जी हैं राकेश टिकैत जी वो भी यहाँ पर आए हैं जी वो बराबर यहाँ आते हैं वो करीब आज 7 से 8 बार यहाँ आ चुके अभी बंगाल से आए थे तो सर्वप्रथम यहीं आए थे प्रयागराज उतर के बाबा टिकैत का माल्यार्पण किया था उन्होंने बस एक आखिरी सवाल है आपसे अध्यक्ष जी जैसा कि आप सभी लोग हम लोग जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को या हमारे देश के किसानों को अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे संदेश बस यही देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग हैं उन्हें एक संदेश देना चाहेंगे कि संघर्ष ही जीवन है संघर्ष से कभी पीछे ना हटें
अगर संघर्ष करते रहेंगे तो न्याय भी मिलता रहेगा और जीवन में सफलता भी मिलती रहेगी। आप संघर्ष जीवन का जिसे आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर संघर्ष करें, हर व्यक्ति संघर्ष की ओर बढ़े जिससे देश का तरक्की करे। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के।